Ruby में for और each loops के spoken tutorial में खुशामदीद। इस tutorial में हम सीखेंगे लफ्ज loop का मतलब, Ruby में मुख्तलिफ किस्म के loops, for loop का इस्तेमाल और each looping construct का इस्तेमाल। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं Ubuntu version 12.04 और Ruby 1.9.3। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। आपको लिनक्स कमांड्स, टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का इल्म भी होना चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट मुलाकात करें। अब मैं समझाता हूँ कि रूबी में लूप किसे कहा जाता है। लूप कमांड या कमांड्स का सेट है जो मुकर्रर बार एग्जीक्यूट होता है। रूबी मंदरजा ज़ैल अहम स्टेटमेंट्स रखता है, फॉर, ईच, व्हाइल, अंटिल। इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि फॉर और ईच लूपिंग कंस्ट्रक्ट को किस तरह इस्तेमाल करें। शुरू करने से पहले अपनी होम डायरेक्टरी में मंदरजा ज़ैल फोल्डर बनाएं। टीटीटी ruby-tutorial looping-statements तमाम फोल्डर बनाएं जैसा दिखाया गया है। अब हमने जरूरी फोल्डर बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। रूबी में फॉर लूप का सिंटैक्स है For variable in a collection of objects, Ruby code end. इसको एक मिसाल के जरिए सीखते हैं। Gedit में एक नई फाइल बनाते हैं जैसे इब्तिदाई Ruby tutorials में दिखाया गया है और इसको for-loop.rb नाम दें। मेरे पास पहले से ही for loop की एक फ़ाल मिसाल है। इस मिसाल को पूरा करने के दौरान आप कोड टाइप कर सकते हैं। इस मिसाल में मैंने एक for loop डिक्लेयर किया है। हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नंबर्स का सेट है। हम फॉर लूप में एक वेरिएबल i डिक्लेयर करते हैं। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स के सेट में i को पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज यानी शुरू किया जाता है। फॉर लूप की डिक्लेरेशन की वजह से ये कोड 1 से 20 तक हर नंबर पर आइटरेट करता यानी बार-बार जाता है। फॉर लूप में डिक्लेयर पुट s मेथड आउटपुट के लिए जिम्मेदार है। अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें Ruby space for-loop.rb और आउटपुट देखें। आउटपुट 1 से 20 के नंबर्स का अरे होगा। इस मिसाल में हमने इंक्लूसिव रेंज के लिए for loop डिक्लेयर किया। इसमें 1 से 20 तक के नंबर्स दाखिल हैं। अब हम नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए for loop का निफाद देखेंगे। कोड का अगला हिस्सा टाइप करना जारी रखें। Non-inclusive range का मतलब है कि ये objects के group में आखरी element दाखिल नहीं करेगा। यहाँ for loop 1 से 20 तक की non-inclusive range के लिए लागू हुआ है। आप जल्द ही देखेंगे कि number 20 output में print नहीं होगा। आखरी number दाखिल नहीं होता, जब आपके पास numbers के दरमियान 3 dots यानी नुक्ते हों। अब terminal खोलें और type करें Ruby space for-loop.rb और आउटपुट देखें। आउटपुट अब भी नंबर्स का अरे है, लेकिन नंबर 20 दाखिल नहीं होगा। अब आप अपना फॉर लूप लिखने के लिए काफी हद तक काबिल होने चाहिए। रूबी में ईच लूप का सिंटैक्स मंदरजा ज़ैल है। A collection of objects dot each do item. रूबी कोड एंड। इसको एक मिसाल से समझाते हैं। Gedit में एक नई फाइल बनाएं जैसा कि Ruby के इब्तिदाई ट्यूटोरियल्स में दिखाया गया है और इसको each-loop.rb नाम दें। मेरे पास each loop की एक फ़ाल मिसाल है। इस मिसाल को समझते वक्त आप कोड भी टाइप कर सकते हैं। मैंने इस मिसाल में एक each loop डिक्लेयर किया है। हमारे पास 1 से 20 तक नंबर्स का सेट है। each loop में हम एक वेरिएबल i डिक्लेयर करते हैं। 1 से 20 तक नंबर्स के सेट में i को पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज किया जाता है। ईच लूप की डिक्लेरेशन की वजह से ये कोड 1 से 20 तक हर नंबर पर बार-बार जाता है। ईच में पुट s मेथड डिक्लेयर किया गया है जो आउटपुट के लिए है। अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें ruby space each-loop.rb और आउटपुट देखें। आउटपुट 1 से 20 के नंबर्स का अरे है। मंदरजा बाला मिसाल में हमने इंक्लूसिव रेंज के लिए एक ईच लूप डिक्लेयर किया है। इसमें 1 से 20 तक सारे नंबर्स दाखिल हैं।
अब हम नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए ईच लूप का निफाद देखेंगे। कोड के इस हिस्से को टाइप करना जारी रखें। नॉन इंक्लूसिव का मतलब है ये ऑब्जेक्ट्स के मजमूए में आखिरी एलिमेंट दाखिल नहीं करेगा। यहाँ ईच लूप 1 से 20 नंबर्स तक की नॉन इंक्लूसिव रेंज के लिए लागू हुआ है। जल्द ही आप देखेंगे कि नंबर 20 आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। जब नंबर्स के दरमियान तीन डॉट्स यानी नुक्ते हों तो आखिरी नंबर दाखिल नहीं होता। अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें रूबी स्पेस ईच हाइफन लूप डॉट आरबी और आउटपुट देखें। अब आप मुनासिब तरीके से अपना ईच लूप लिखने के काबिल होने चाहिए। हम किस तरह तायुन करें कि कौन सा लूपिंग कंस्ट्रक्ट मुंतखब करना है? फॉर लूप कंस्ट्रक्ट को दोबारा कॉल करते हैं। पहली मिसाल में फॉर इस्तेमाल करके हमने 1 से 20 तक नंबर्स के सेट को दोहराया। अब टर्मिनल पर रूबी स्पेस फॉर हाइफन लूप डॉट आरबी को एग्जीक्यूट करें और आउटपुट देखें। अब जी एडिट में कोड देखते हैं। जब आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो रूबी पीछे से ईच मेथड को कॉल करता है और ईच या फॉर को कॉल करना यकसा आउटपुट देता है। क्योंकि फॉर भी ईच को कॉल करता है, लिहाजा इसके बजाय ईच लूप का इस्तेमाल करना बेहतर है। अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फॉर लूप का इस्तेमाल, ईच कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल, फॉर के बजाय ईच इस्तेमाल करने की वजह, मंदरजबाला लूपिंग कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करने की मिसालें। एक मश्क: मुनासिब लूप कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल करते हुए एक रूबी प्रोग्राम लिखें। 1 से 20 तक नंबर्स के सेट में इवन नंबर्स का आउटपुट बनाएं। दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देती है। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। आपका शुक्रिया।